नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। बलिया में पत्रकारों की रिहाई को लेकर राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत ने बलिया में जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम सिंह, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रामशरण कटियार, विनोद सिंह जिलाध्यक्ष आजमगढ़, महेशानंद जिलाध्यक्ष गाजीपुर, धर्मेंद्र भारद्वाज जिलाध्यक्ष मऊ, कंचन सिंह प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला विंग बलिया जिलाध्यक्ष सहित भारी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। खास करके चेतावनी देना चाहूंगी कि मुट्ठी भर पत्रकारों को ये ना समझे कि मुट्ठी भर पत्रकार है। अगर वो झुकने को तैयार नहीं तो हम लोग भी झुकने को तैयार नहीं। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक डीएम झुकेगा नहीं, हमारे पत्रकारों को रिहा करेगा नहीं। और दूसरी बात, ये समस्याएं हमेशा आती रहती है। पत्रकारों कभी फर्जी मुकदमे कर दिए जाते हैं, कभी कभी फंसाया जाता है। ये क्यों होता है ये समझ में नहीं आता है कि जब हमारे पत्रकार इतने धूप में, गर्मी में, बरसात में कोने कोने तक देश के जाते हैं, खेतों तक जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, जाते हैं, और जब सच्चाई नहीं आएगी तो लोगों तक आएगा क्या? लोग जानेंगे क्या? सच्चाई को दबाया जा रहा है। पेपर लीक का मामला हुआ, पेपर लीक हुआ कहाँ से? क्या पत्रकार ने लीक किया? डीएम अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमारे पत्रकारों को अंदर कर दिया, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमारे पत्रकारों को अंदर तो कर दिया, लेकिन वो चैन से बैठ नहीं सकता है। और हमारे पत्रकार साथी जितने हैं सभी जिलों से लगभग आ रहे हैं, सभी लोग आक्रोशित हैं, सभी लोग गुस्से में हैं, और डीएम को भी और यहाँ बलिया प्रशासन को भी चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए डीएम क्या क्या उपाय कर रहा है? बंदी को विफल करने का भी प्रयास किया गया, शनिवार बंदी जो किया गया था विफल करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन डीएम शायद ये जान चुका होगा या नहीं जान चुका होगा तो जान ले कि पत्रकार झुकने वाले नहीं हैं। उनके लाख प्रयास के बाद भी बंदी को सफल बनाने का भरपूर प्रयास किया गया, और डीएम ये तो समझ गए होंगे कि पत्रकार शांत रहने वाले नहीं है। जब पत्रकारों को धरना स्थल तक आना पड़ गया, रोड पे आना पड़ गया, तो अब चैन से बैठने वाले नहीं है पत्रकार। और ऐसे ये समस्या तो पहली बार हम देख रहे हैं कि पत्रकार को सच्चाई लिखने के बावजूद अंदर कर दिया गया। ये पहली समस्या है। निर्दोष पत्रकार को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। कदम कदम का ताल है, जल उठी मसाल है, जल जल की देख लो अब यही पुकार है, जल जल की देख लो अब यही पुकार है। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, निर्दोष पत्रकार को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, पत्रकारों को रिहा करो। है नया सवेरा, जनता देखो साथ है, है नया सवेरा, जनता देखो साथ है, धरती से कदम तक उठ रही आवाज है, धरती से कदम तक उठ रही आवाज है। रिहा करो, रिहा करो, रिहा